इस तो बाद अगला की स्टेप करन जा रहे हो? अगे इंशाल्लाह खुदा दी जात ने चाहिया ते आपां मिस्टर मुल्तान हो गए हां ते ऐतकी आल पंजाब खेलना वा। फैक्ट्री डोग इंडस्ट्री आ साडे शहर दे विच ते उत्थे ही लजाईदा वा। किन्नी तनखा उत्थे तकरीबन थोड़ी? तकरीबन 25000 रुपए सैलरी आ मेरी उत्थे। माकूल जी थोड़ी तनखा वी आ, तुसीं इत्थे वी टाइम दिंदे हो, घर वालिआं दा की कहना वा? घर वालिआं दा पहले तो कुछ नहीं सी, ओह कहिंदे सी वी इह वैसे ही लगा वा, कुछ नहीं कर सकदा। लेकिन जदों फिर मैं खेडना शुरू कीता, घरे ट्राफियां लिआउणियां शुरू कीतियां, उन्होंने कहा वी नहीं कुछ कर सकदा, इह च कोई गल्लबात है। उन्होंने कोई थोड़ी खुराक वी डबल कीती कि कोई नहीं उन्नी हले दित्ती जांदे? अच्छा ये दसो, अच्छी गेम वास्ते खुराक की होनी चाहिए, इहदे च सही उम्र कीड़ी हुंदी है जिस टाइम बंदा इस गेम शुरू करदा? सही उम्र यही होंगी है कोई 18-19 साल तो बाद शुरू करो, फिर तुम्हारा जिस्म ग्रो करेगा, मसल बनेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें दस्तक टीवी, मेरा नाम आबद इकबाल है। फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करने वाला नौजवान मिस्टर मुल्तान बन गया। वसाइल की कमी के बावजूद यहाँ तक पहुँचने का ये सफ़र इन्होंने कैसे तय किया? भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है भाई जान? शुक्र है खुदा की ज़ात का। सबसे पहले अपना नाम दस्त। मेरा नाम साकब। साकब भाई ये दसो कि थोड़ी उम्र कितनी है? मेरी 22 साल एज है। 22 साल, तो ये दसो भी कदों के जिम वगैरह कदों के कर रहे हो? तकरीबन 2021 के बीच मैं स्टार्ट की थी। सही, तो एक किस तरह शौक किस तरह पैदा आया तुम्हें? शौक इसी तरह शुरू तो कबड्डी का शौक सीगा मेरे वड्डियां नूं भी, तो उन्होंने तो बाद फिर मैं कबड्डी तो नहीं खेड सका खराजात की वजह तो, मैं फिर जिम लेवल पर आ गया। साकब भाई ये दसो कि फैक्ट्री भी काम करते हो? हाँ जी फैक्ट्री भी काम करते हैं। कि जगह जाते हो? फैक्ट्री डोग इंडस्ट्री आ साडे शहर दे विच ही, ते उत्थे ही लजाईदा वा। ते ये दसो भी किन्नी तनखा उत्थे तकरीबन थोड़ी? तकरीबन 25000 रुपए सैलरी आ मेरी उत्थे। सही, टोटली यानी कि महीने दा 25000 कमांदे? 25000 महीने दा टोटल। किस तरह शौक किस तरह पूरा करदे हो? जाहिर बात आ कि ये शौक ये काफ़ी ज़रा महंगा, इन्हें खुराक भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, किस तरह मैनेज करदे हो? देखो 5 बजे छुट्टी हो जाती काम तो, 5 बजे तो बाद फिर ओवर टाइम हो जाता, जुम्मे की छुट्टी होंगी वह भी नहीं करी दी आप, तो आपके शौक वास्ते उदों फिर पैसे कमा लेते हैं। अच्छा साकब भाई ये दसो भी सब तो पहला जो मुकाबला सी वो किस जगह पे तुसी खेलिया? सब तो पहला कंपटीशन मैं खेलिया सी खानेवाल डिस्ट्रिक्ट लेवल ते। वो यानी कि कितने लोगों ने शामिल सीगे, तुसी उन्हां दे जो किन्नवें नंबर ते आए सी? वो तकरीबन सब तो मेरा छोटा मुकाबला उही सीगा डिस्ट्रिक्ट लेवल ते, उहदे विच भी 60-65 मुंडे सीगे। किन्नवें नंबर ते आए? मैं दूसरे नंबर पर आया इतने मुल्तखाने वालों। ये दसो कि मिस्टर मुल्तान का सफ़र जो तुम शुरू किस तरह किया, किस तरह तुम उतों तक पहुँचे हो? कोई पहला कंपटीशन मेरे उस्ताद ने खिलाया, फिर उस्ताद तो छड़ गया, तो मैं कहते यार गेम छड़ी ना तो अगे जाएगा, तो मैं फिर इस चक्कर के शुक्र है मालिक की जात का अज मिस्टर हो गया। तो 2024 मिस्टर मुल्तान? हाँ जी बेशक, आप 2024 मिस्टर मुल्तान। इस तो अलावा कि जगह पर मुकाबला खेलन गए? तकरीबन लाहौर भी, तकरीबन सिंध तो लैके लाहौर तक जिन्ने जिले तहसील बना सवाए अपने चन्नू की चीचावत नहीं छड़ के बाकी सारे खेड़े हुए हैं। अच्छा ये दसो अच्छी गेम वास्ते खुराक की होनी चाहिए? खुराक देने वास्ते भाजी बहुत कुछ चाहिए वा, जिन्ना कुछ ला लो थोड़ा बंदे वास्ते। की होना चाहिए मैक्सिमम भी? देखो आम बंदा 1-2 अंडे खाता वा, सानू 20-22 अंडे एक टाइम पर खाने पैंदे सर्दी वाले। कभी बीमार नहीं हुए इन्ने अंडे खा के? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਵਰਕ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਅੰਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਡਾਇਟ ਇਹ ਅੰਡੇ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ 22 ਸਾਲ ਏਜ ਆ, ਅਤੇ 2021 'ਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ ਸਾਕਬ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ? ਸਹੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਮਸਲ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 'ਚ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। अच्छा ये दसो भी इन्हें वास्ते उम्र तो जी तकरीबन इन्नी होनी चाहिए है, तो इन्हें वास्ते जिस टाइम स्टार्ट करना उस टाइम की खुराक तुम्हें की इस्तेमाल करनी? स्टार्टिंग यह कुछ ही होंगे कि रोटी पानी टाइम टेबल करो, आपका सैट प्ले टाइमिंग सैट करो सारी आपकी खाण पीन की सौन पैन की, तो उस तो बाद जाकर शुरू होंगे, ये असूल बहुत पक्के होंगे इस गेम के। तो कोई स्टीराइड जो गोलियां या कोई जी अद्वियात वो भी इस्तेमाल कर पैदा? नहीं नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये स्टीराइड जो मेडिसिन वगैरह बंद नुकसान देता वा, कोई माड़ी मोटी यूज करो सही, लेकिन कोई माड़ी मोटी यूज करो, कल मसल दर्द ना करे, जोड़ दर्द ना कर, करनी चाहिए है, लेकिन ये टीके मेडिसिन ना यूज करो बस, मेरा यही पैगाम है मुंडिया। किन्नी इस्तेमाल करते हो? असं उन्नी कि इस्तेमाल करते जिन्नी असं सह सकी। अक्सर होंगे वा कि 6 महीने तो बॉडी बिल्डर तैयार हो जाता, 1 साल नहीं कटता, रब की जात का शुक्र है बहुत बहुत, मैंने 4th साल आ खेडते।
इंजैक्शन वगैरह भी कोई लगाते होंगे ये बहुत इस कोर्स हों तिना तिना चौं चौं महीनों का इंजैक्शन वगैरह होंगी मैडिसन होंगी पूरी ये। अच्छा ये दसो भी माकूल जी थोड़ी तनखा भी आई इतने भी टाइम देंगे हो घर वाल कहना वा घर वाले का पहले तो कुछ नहीं कहते हैं भी वैसे ही लगा वा कुछ नहीं कर सकता लेकिन जो फिर मैं खेडना शुरू किया घर ट्राफियां लिया शुरू की उन्होंने कहा भी नहीं कुछ कर सकता इस कोई गलबात है उन्होंने कोई थोड़ी खुराक भी डबल की कोई नहीं उन नहीं हले दी जाते नहीं जी मैं देसी घर तो हाँ मेरी खुराक शुरू तो डबल सी माड़ी मोटी खुराक तो रही नहीं देसी घ्यो दुध नहीं दे तो खुला ही लगता अपन घरों खाने फैक्ट्री कितनी देर काम करते हो तो उतों आके इतने कितनी देर रहते हो फैक्ट्री तकरीबन 8 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक हों ड्यूटी टाइम उस तो बाद फिर जिम के सिरे ही हाँ कितने बजे तक तकरीबन 2-2.5 घंटे ला रही थे अगे की करन दा इरादा अगे इस तो बाद अगला की स्टैप करन जा रहे हो अगे इंशाल्लाह खुदा दी ज़ात ने चाहिया तो आप मिस्टर मुल्तान हो गए हैं तो ऐतकी आल पंजाब खेलना वा आल पंजाब तो बाद चाहिया रब दी ज़ात ने तां अगे खेडांगे पूरी तैयारी चो पूरी पूरी तैयारी शुक्र खुदा दा बहुत लास्ट ते की अपनी हुकूमत वास्ते की पैगाम देना चाहो हुकूमत वास्ते यही पैगाम आ कि यार साडी गेम नूं सपोर्ट करो साडे ते तवज्जो दो असी भी गेम करते हैं असी भी प्लेयर हाँ काफ़ी ज़्यादा मुंडे आ कि जेड़े पैसे धेले की वजह तो गेम छड के बैठे हुए अगे नहीं वध सकते अच्छा टैलेंट आ मुंडियां दे विच लेकिन अगे नहीं वध सकते तो उन्होंने वास्ते यार कोई सानू नौकरियां दो सानू भी सपोर्ट करो असी भी अगे जा सकी तो पाकिस्तान वास्ते कुछ कर सकी। बहुत शुक्रिया नाज़िम साकब भाई हमारे साथ मौजूद थे जो कि कह रहे हैं कि अच्छी गेम के लिए इसके साथ अच्छी खुराक भी होनी चाहिए और हुकूमत को चाहिए जिस तरह के बाकी खेलों को सपोर्ट की जा रही है हमारी जो खेल है इसको भी सपोर्ट की जाए और हमारे जो बच्चे हैं इनको नौकरियां दी जाएं ताकि वो इस गेम के अंदर इस खेल के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा लाभ।